Hi, this is Neeraj Garg, and you are watching Class 10th Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variables, Exercise 3.6, Question Number 1. Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. दो equation given है. तो इन questions में हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम denominator को separate करेंगे numerator से. ठीक है? हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से. 7x upon xy minus 2y upon xy, हमने denominator को separate कर दिया. ठीक है, इस x से ये x cancel हो गया, इस y से ये y cancel हो गया, और हमारी जो equation बन के आ जाएगी वो आ जाएगी 7 upon y minus 2 upon x that is equal to 5. ये हमारी first equation बन के आ गई. अब second equation में भी हम यही करेंगे. ये हो जाएगा हमारा 8x upon xy plus 7y upon xy that is equal to 15. इस y से ये y cancel हो गया, इस x से ये x cancel हो गया, और हमारी equation आ गई 8 upon y plus 7 upon x is equal to 15. ये हमारी second equation आ गई. ठीक है, अब हम इसमें letting करेंगे कि let 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q. यहाँ पर ध्यान रखो, देखो 1 upon y है पहले, 7 upon y, तो यहाँ 7q आएगा, 7q minus 2p, that is equal to 5, और इस equation में हमारा हो जाएगा 8q plus 7p, that is equal to 15, ये हमारी third और fourth equation आ गई. ठीक है, अब इनके हम coefficient equal करेंगे. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम इनमें p के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करके जो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारी 49q माइनस 14p दैट इज इक्वल टू 7535, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 16q प्लस 14p दैट इज इक्वल टू 30, राइट? इसको हम दोनों के साइन एक माइनस एक प्लस है, तो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, मतलब हमने क्या करना है, एडिंग करनी है. ठीक है, 49q प्लस 16q दैट इज इक्वल टू 65q दैट इज 65q इज इक्वल टू 65, देन q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, राइट? अब हम ये q की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, 3 में. ठीक है, पुटिंग इन 3 या 4 किसी में भी कर सकते हो. सो 7q q की जगह डाल दिया 1 माइनस 2p दैट इज इक्वल टू 5, या माइनस के 2p इज इक्वल टू 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2, और p इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, राइट? अब p हमने क्या लेट करा था और q क्या लेट करा था, p इज इक्वल टू था 1 अपॉन x और q इज इक्वल टू था 1 अपॉन y. सो यहाँ पर जब हम q की जगह पे 1 अपॉन y डालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर जब हम p की जगह पे 1 अपॉन x डालेंगे तो ये x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आपको दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.